Hello everyone, namaskar. Welcome to Smart Indian Consumer. Today I'm going to unbox this printer. तो जो ये Epson L360 printer है, this is exclusively available on Flipkart. This printer can print, copy, scan, but this don't have any wireless application. So this advantage about this printer. और मैंने ये printer 8800 rupees में Big Billion Days में लिया था. इंकटेंट प्रिंटर के प्राइसेस को देखते हुए ये एक डिसेंट डील थी. सो दिस इज माय फर्स्ट एप्सन प्रिंटर. दैट्स इट फॉर नाउ. नाउ लेट्स वी कैन टू अनबॉक्स दिस प्रिंटर. सो दिस इज द मेन यूनिट. आई एम गोइंग टू अनबॉक्स इट राइट अवे. ओके, लेट मी चूज माय स्मॉल नाइफ. तो ये मुझे ऐसे ही डिलीवर हुआ है. इसका कोई इसके बाहर कोई बॉक्स नहीं था. दिस इज कम्प्लीटली सील पैक. अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको इसका प्राइस दिखाना चाहूंगा. दैट इज You can clearly see इसका प्राइस 10,990 रुपये था जुलाई 2017 में. लेकिन इसके साथ मुझे इन्होंने एक अलग से एक टैग लगाया हुआ था जिस पर लिखा हुआ था Epson India Private Limited MRP due to GST is 12,089 rupees. देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है फास्ट एंड रिलायबल बिजनेस प्रिंटर विद सुपर हाई कैपेसिटी. सो दिस प्रिंटर कैन प्रिंट, कॉपी, स्कैन ऑल टुगेदर. एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है फास्ट प्रिंट स्पीड दैट इज 33 ppm एंड 9.2 ISO PPM. Okay. अभी मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ. So, let's see. तो आइए अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है. देयर इज वन सीडी एंड सम यूजर मैनुअल. अभी इसको मैं खोलूंगा. बिफोर दैट ये इसका पावर एडेप्टर है पावर कॉर्ड. उसको मैं खोलता हूँ. इस पर इन्होंने पार्ट नंबर भी लिखा हुआ. सिक्स एम्पेयर 250 वोल्ट एंड दिस इज मेड इन चाइना. यू कैन सी. अब पता नहीं ये मेक इन इंडिया में क्या क्या बनता है. के अंदर आई एम गोइंग टू शो यू दीज आर द इंक बॉटल्स. दिस वन ब्लैक, दिस अदर वन येलो, दिस अदर वन मजेंटा, दिस
आया। तो जो ये इंक्स हैं ये प्रिंटिंग के लिए यूज होंगे, इसमें इसके इंक टैंक में ये डलेंगी। एज यू नो जो कलर प्रिंट होता है वो मिक्सचर होता है इन तीन कलर्स का, दैट इज येलो, मजेंटा एंड कायान। जो कलर प्रिंट आता है वो इन तीन इंक से आता है, जो ब्लैक प्रिंट आता है वो ऑफकोर्स इस ब्लैक इंक से आता है। This is high speed USB. You can see it. High speed USB cable. Okay, this is the main unit. Back panel. So guys, this is the main unit. प्रिंटर का साइज है वो काफी स्मॉल है, मुझे लगा था कि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन ये काफी छोटा है। तो जो ये प्रिंटर है ये मेरे पुराने प्रिंटर कैनन 3570 से भी छोटा है। सो दिस थिंग गोना ओपन लाइक दिस। You can see this is the ink tank. It's going to open like this. यहाँ पे आप देख सकते हैं. Let me zoom in. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. These are the color codes. 664. That is the ink code for this printer. And this is C means Kayan. M means magenta, Y means yellow, B means black. So black ink, जो black ink है वो इस वाले box में जाएगी, yellow इस वाले में जाएगी, magenta इस वाले में जाएगी और cyan इस वाले में जाएगी। तो अभी हम उसको बाद में देखते हैं। इसकी front side पे देख लेते हैं। जो इसकी front side है साइड पे, यहाँ पे इसका पावर बटन है, यहाँ पे इसका कॉपी के लिए बटन है,
black and white copy and color copy. और यहाँ पे नीचे दो indicators हैं. This is L360. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका इसको स्लाइड करके इस तरह से ओपन कर लिया. इससे ज़्यादा नहीं होता. जो इसकी बैक साइड पे है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ भी करने से पहले इसको कुछ भी, अगर आप इस प्रिंटर को लेते हैं, किसी भी प्रिंटर को लेते हैं, तो प्रिंटर एक सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो इसको आपको काफ़ी केयरफुली यूज़ करना चाहिए. So I request you to read its full manual before you can do anything. आप इस पे देख पाएंगे यहाँ पे कंपनी ने वन बाय वन सारे स्टेप्स डिस्क्राइब करे हुए हैं कि उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है. यहाँ पे डूज एंड डोंट्स भी हैं, हाउ टू लोड अ पेपर, हाउ टू कॉपी, हाउ टू क्वालिटी, हाउ टू इम्प्रूव योर क्वालिटी. और इसकी बैक साइड पे ये भी लिखा गया है कि इसकी बैक साइड पे ये भी बताया गया है, क्लियरिंग पेपर जैम, चेकिंग इंक लेवल्स एंड रिफिलिंग इंक, एरर इंडिकेटर्स, ट्रांसपोर्टिंग. सो मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूँगा कि आप कभी भी प्रिंटर लें तो आप सबसे पहले उसका इंस्ट्रक्शन, उसको चलाने से पहले उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल जरूर पढ़ लें. तो इसको मैंने पढ़ा है अभी, तो मैंने बताया कि जो उसके पेजेस इंसर्ट होते हैं वो बैक साइड से होते हैं. आई डोंट नो हाउ टू ओपन इट. ओके, आई गेस मैं आपको दिखाई देता हूँ साथ में. यहाँ पे पीछे से मैंने इसको वैसे करके खोला, यहाँ पे टेप लगी थी, इसके अंदर से ये निकला है. जैसे कि मैंने वहां पे पढ़ा था, तो आपको इसको इस तरह से स्लाइड करके खोलना होगा. इसके अंदर आप अपने पेजेस को इंसर्ट करेंगे. यहाँ से पेज इंसर्ट हो गए, बीच में प्रिंट हो गए, वहां से बाहर निकलेंगे. कुछ सभी प्रिंटर्स का अपना अपना मैकेनिज्म होता है. इससे पहले जो मेरे पास कैनन का प्रिंटर था, उसमें हम पेजेस नीचे से इंसर्ट करते थे और उसका पेजेस भी नीचे से इंसर्ट करते थे और उसका प्रिंट भी उसकी अपसाइड से निकल के बाहर आता था. बट दिस एप्सन L360 इज नॉट लाइक दैट. तो अभी के लिए इसको अभी बंद कर देते हैं. इसके बाद मैं आपको इसमें हाउ टू लोड द इंक फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपको बताना चाहूंगा. जो इसका ये है, जो इस प्रिंटर का इंक टैंक है, आई गेस इस तरह से ओपन होता है. इसको ऐसे नीचे रख देंगे. आप शायद देख ना पाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है. तो यहाँ पे कलर कोर्स के साथ मैं इंक डाल दूंगा.
सभी को पहले सभी को मैं सबसे पहले ये सी कायन है इसको इसका सबसे पहला बॉक्स है इसको से Now this printer is ready to work. इसके साथ पावर कोड अटैच कर दो। तो आपको ये पावर कोड अटैच करने के लिए इसका पैनल ही ओपन करना होगा और इसके पीछे से पावर कोर को अटैच करना होगा यहाँ पे एक स्लाइडर है उसे आपको अपनी शीट्स की सिलेक्शन को सेट कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप U4 LTR and envelope size so I'm going to start this I'm going to power on it making some noise now I'm going to attach this USB cable to my laptop this is the USB cable काफी सॉफ्ट यूएसबी केबल हमें एप्सन ने प्रोवाइड करी है दिस फिक्स्ड अप नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम प्रिंट
ये इसका पहला प्रिंट है अभी इसको बिगन सीट्स रिजल्ट्स This is the very first print of this printer. Some lines over here, the print is not clear. But मुझे ये लगता है कि ये initial अभी ink अच्छी तरह से load जब हो जाएगी इस printer में तो ये print ये lines इसमें नहीं आएंगी आगे अब मैं इसका color print लेने वाला हूँ अभी आप देख सकते हैं कि इसका कलर प्रिंट के नाम पे अभी कुछ नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट में इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे थे एज कंपेयर टू कलर सो आगे मैं अपनी फुल रिव्यू वीडियो में इस प्रिंटर के बारे में बताऊंगा कि कुछ दिनों के बाद इसका रिजल्ट कैसा था क्या इसने कलर प्रिंट दिया या नहीं दिया तब तक के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा सो इट वॉज माई अनबॉक्सिंग वीडियो फॉर एप्सन L360 इंक टैंक प्रिंटर आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रिंटर फॉर सम टाइम लेटर आई कम विद माई फुल रिव्यू वीडियो अबाउट दिस प्रिंटर सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई वीडियोज तब तक के लिए एंड वन थिंग डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन बट डोंट ट्रैवल योर मदर मैन